कितने अच्छे से गल चुका है हमारा मुरब्बा। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सिंपल फूड। आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं ये एप्पल का मुरब्बा। ये खाने में टेस्टी और हेल्दी होता है, पेट के लिए बहुत अच्छा होता है। इसको हमें सुबह सुबह खाली पेट खाना चाहिए। तो चले बनाने, पहले हम इनके छिलके उतार लेते हैं एप्पल्स के। ये हमने अपनी एप्पल्स छील लिए, इनको हम पानी में उबाल लेते हैं। ये हमने पानी रख दिया है गैस पे, इसमें हम इसको पका लेते हैं थोड़ा सा एप्पल को। थोड़ा सा सॉफ्ट होने तक हम इसको पकाते हैं ढक के। हमारी एप्पल हो गई है थोड़ी सी नरम। ये हम इसमें आधी किलो चीनी डाल देंगे। हमने आधी किलो एप्पल लिया था, आधी किलो चीनी ऐड करेंगे हम इसमें। इसको पका लेते हैं। ये हम इसमें चक्कू से ऐसे अंदर तक निशान वो कर लेते हैं, ताकि जो हमारी चिन्नी है इसके अंदर अच्छे से चली जाए, फिक्की फिक्की ना लगे खाने में। ये मैंने 500 ग्राम ली है एप्पल, चिन्नी भी मैंने 500 ग्राम ही ली है। हम ऐड कर देंगे इसमें, हमने चाशनी नहीं बनानी है, चाशनी अपने आप बनती रहेगी, इसमें हम छोड़ देते हैं। पानी को पका लेते हैं अच्छे से। ये मैंने 1.25 लीटर के करीब पानी लिया है इसमें, ये पकता रहेगा इसके अंदर। ये थोड़ा सा मैं फूड कलर डाल रही हूँ इसमें, ये आपका दिल करे तो डालना, नहीं तो नहीं, ये ऑप्शनल है। इलायची भी डाल सकते हैं। ये देखिए, ये हमारी चाशनी एक तार की हो गई है। इसमें मैंने वाइट विनेगर भी डाला था, वो स्किप हो गया, तो आप इसमें वो ऐड कर सकते हैं। एक ढक्कन डाला था मैंने उसका। और ये इंजॉय कीजिए, बनाइए एक बार, ट्राई जरूर कीजिएगा। कितने अच्छे से गल चुका है हमारा मुरब्बा ठंडा होने के बाद। खाइए और खिलाइए। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय। मौसम चेंज हो रहा है, सारे अपना ख्याल रखिएगा। और ये मौसम चेंज होने के साथ साथ आप ये एप्पल का मुरब्बा भी एंजॉय कीजिएगा, जो कि इस मौसम में हेल्थ के लिए काफी हेल्पफुल होगा आपके लिए। प्लीज ट्राई इट।